हेलो फ्रेंड, आइए देखते हैं हर एग्जाम में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ जीके के प्रश्न। टोटल 20 प्रश्न हैं। आप लोग इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, आप लोग को 4 ऑप्शन है बताना है। जैसे ए में है सरदार पटेल, बी में है महल नोबिस, सी में है दादा भाई नौरोजी, डी में है वी के आर वी राव। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है बाजार का आकार, ऑप्शन सी है पूंजी का निर्माण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है किस किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए किसी देश का आर्थिक विकास जो है ना, ये सभी पे होता है। प्राकृतिक संसाधन हो गया, बाजार का आकार हो गया, ठीक, अब पूंजी का निर्माण। जब ये तीनों मिल जाता है ना, जिस देश के तीनों मिल गया, वो तीनों मिल जाने के कारण जो है ना, उस देश का विकास कंफर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड आप लोग को बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है यूरोंगे, ऑप्शन डी है दोहा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा, जेनेवा। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो चौथा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाती है? ठीक दोस्तों, चौथा प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो फ्रेंड 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा स्थापित नियंत्रण की जाती है। अब चलिए पांचवा प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन सा है? आप लोग बताइए भारत में सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंजीकल जल प्रांत। ठीक, या उसको पूरा प्रांत भी बोला जाता है। ये कुंजीकल भारत का पहला है। तो चलिए फ्रेंड छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट जूट की खेती होती है। ठीक दोस्तों, सबसे ज्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका। ये जो है पाल्क स्टेट से जुड़ा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न वीवीआई है। ये वीवीआई हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, ये वीवीआई है। ठीक फ्रेंड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो इसके 4 ऑप्शन है, एक है नागासाकी, बी है हांगकांग, सी है टोक्यो, डी है हिरोशिमा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, ये टोक्यो जो कि जापान में है, जापान में पहली बार जापान में फेंका गया था। ठीक दोस्तों,
जापान में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों इसमें ऑप्शन डी समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? यह ध्वनि का, ध्वनि, ठीक फ्रेंड, ये ध्वनि का डेसिबल, ध्वनि का एसआई मात्रक भी डेसिबल होता है, ठीक ठीक फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चंपा, चंपा में थी, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 प्रश्न है दोस्तों, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी किस लिए होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। जब देखिए समुद्र में भूकंप आता है ना तो उस समय सुनामी आ जाता है दोस्तों, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महबूल उल हक, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कृषि उत्पादकों का कोटी किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक मार्ग के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक दोस्तों। एक मार्ग के द्वारा निर्धारित की जा सकती है कृषि उत्पादकों का, ठीक फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया हुआ था? ठीक दोस्तों, भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में भारत में मजदूर को न्यूनतम मजदूरी देने का अधिनियम पारित हुआ था, ठीक प्रण। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन है ये हमें, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ वेटिंग, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ वेटिंग के द्वारा किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।